तो गाइज नमस्ते, जय श्री राम गाइज, आप सबका स्वागत है मेरे एक और न्यू व्लॉग में। तो गाइज आज मैं पहुंचा हूं नगर पार्कर, जो कि अभी जो है इसका नाम है नगर पार्कर, और जो पहले नाम था वो था नगर पार्कर के नाम से ये मशहूर था अब। और आप देख सकते हैं ये कुछ इस टाइप का है यहाँ पे, और साथ में ये यह है चर्च, आप देख सकते हैं ये बोर्ड लगा हुआ है चर्च का, और पास में ये चर्च है, और इसके अलावा यहाँ पे एक देख सकते हैं आप ये है शिव मंदिर, जो भोलेनाथ जी का मंदिर है, ये देख सकते हैं आप ये रहा, ठीक है। और इसके अलावा हम आपको बताते चले कि जितने भी मतलब के हिंगलाज के यात्री थे वो यहाँ से लाजमी जो कि ज़रूरी दर्शन करके फिर उसके बाद जो कि आगे जाते हैं, ये यात्री जो तमाम यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे तादाद में, और यहाँ से आगे मतलब हिंगलाज की ओर रवाना होंगे। आगे भी बहुत ज़्यादा टेम्पल है देखने के लिए, वो भी आपको हम दिखाएंगे, तो चलते हैं आगे। फिलहाल हम आपको दिखाते हैं ये मंदिर, शिव मंदिर, तो चलते हैं इसके अंदर, और काफ़ी सारे यात्री जो कि अभी पीछे रह गए वो भी आने वाले हैं, आप देख सकते हैं ये पहले गाइस बताते चले बहुत ज़्यादा मतलब के थकावट है, क्योंकि सारी रात का सफ़र किया हुआ है और इसके लिए थकावट बहुत ही ज़्यादा है, और मतलब काफ़ी हद तक बाल बिखरे हुए हैं, कपड़े भी चेंज नहीं किए, सो चलेंगे आगे देखेंगे थोड़ा सिस्टम और कपड़े वगैरह चेंज किए, मेन इंटरेस्ट ये है। खैर आगे चलते हैं, और मंदिर का कुछ इस टाइप का व्यू है, अब देख सकते हैं साइड से ये टैंकी लगी हुई है पानी वाली, यहाँ पे मतलब के हाथ मुँह वगैरह बंदा धो सकता है, और इसके अलावा ये देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत दरख्त जिसे हम बेर कहते हैं, और इसके अलावा ये फूल, और ये भाई भी हमारे साथ मौजूद है, मतलब इनसे जाने के ये कहाँ से आए हैं, ये भी इलाज के लिए रवाना हो रहे हैं। सो नमस्ते गाइस, हरिओम नमस्ते। सो आप कहाँ से आए हैं? हम सर, हम सर जी जिला घोट की टहरकी से, जिला घोट की टहरकी से, और आगे कहाँ की तैयारी है? आगे हिंगलाज माता आगे जाएंगे, उसे आगे का टूर कौन सा है यार, कहाँ जाएंगे? ये भी काफी मतलब खुश है, मगन है अपनी यात्रा के लिए, सो चलेंगे आगे। गाइस यहाँ पे जो कि नहाने की बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि पंजाब में तो मतलब के वाशरूम में हम नहा के इजीली वो हो सकते हैं फिट, और यहाँ पे कुछ इस टाइप से हम नहा सकते हैं। ये कुआं लगा हुआ है, इससे पानी निकालेंगे, देख रहे हैं आप, और इसके अलावा बल्कि टैंकी भी लगी हुई है, वो टूंटियाँ भी चल रही है, और ऐसे हम लोगों ने नहाना है यहाँ पे, देख रहे हैं आप ऐसे नहाना है। सो मैं भी अब ऐसे नहाने वाला हूँ, आज से तकरीबन कुछ साल पहले की बात है ऐसे नहाया था, और आज मतलब वो दिन ज़्यादा आ रहा है, सो नहाते हैं। गाइस फाइनली ऑलरेडी हम लोग तैयार होके आ गए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप, सब लोगों ने कपड़े अपने चेंज कर लिए, साजिन भाई ने भी और क्लास जी ने भी चेंज कर लिए कपड़े, तो अब हम चलते हैं अंदर, आपको अंदर मंदिर का व्यू दिखाते हैं, भोलेनाथ जी का, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मंदिर है। शिव मंदिर, और सबसे पहले यहाँ ये सीढ़ियाँ हैं कुछ इस टाइप से, आप देख रहे हैं ये ऊपर जाने के लिए, यहाँ पे हम लोग ने अपनी चप्पलें उतारी और इसके बाद ऊपर जा रहे हैं, और ये है कुछ अगरबत्ती वगैरह दिखाने के लिए ये बुझेगा, और इसके अलावा ये है कुछ इस टाइप का, ये देख रहे हैं आप ये मंदिर बना हुआ है किसका है ये ठोड़, और इसके अलावा है ये है बजरंग बली, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत व्यू इसका भी आप देख सकते हैं, ये देख रहे हैं। ये
सबसे पहले इसे भी प्रणाम करते हैं और उसके बाद चलते हैं अभी अंदर, और अंदर से हम आपको इसका व्यू दिखाते हैं थोड़ा इस टाइप से कुछ। ये देख रहे हैं यहाँ पे गणेश जी भगवान जी की मूर्ति यहाँ पे है, और इसके अलावा स्थापित है, और इसके अलावा ये देख रहे हैं ये यहाँ पे भी है शिव भगवान जी के, और इसके अलावा यहाँ पे है स्वयं विराजमान महादेव जी। सो हम इससे प्रणाम करते हैं पहले सबसे, हर हर महादेव। फाइनली हमें भोलेनाथ जी महादेव के मतलब ये दर्शन किए हैं और आपको भी करवाए हैं, और अब हम इसका थोड़ा सा साइड का आपको व्यू दिखाते हैं। इस टाइप से है कुछ, ये देख रहे हैं आप, इस टाइप से कुछ इसका व्यू है, साइड का व्यू जो और इस साइड पे भी ये देख रहे हैं आप मूर्ति रखी हुई है, क्लियरली नहीं दिख रही, और यह है कुछ इस टाइप से नीचे उतरने की सीढ़ियाँ, और यहाँ पास में ये भी एक छोटा सा मंदिर है, ये देख रहे हैं आप, ये भी एक छोटा सा मंदिर है, इसका भी आप आपको दिखाते हैं, ये भी कोई संत है। ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवाय धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हरि ओम, ये भी संत है कोई। जय श्री राम। और साइड में ये देख रहे हैं आप दरख्त बहुत ही प्यारा लगा हुआ है, ये परिंदों के लिए पानी वगैरह, सो फाइनली गाइस लंगर पार्क शिव भगवान जी का मंदिर जो कि यहाँ पे है करता हूँ नंगर पार्कर। दोस्तों ये जो आप लोगों को अभी शिव मंदिर दिखाया है ये बेसिकली नंगर पार्कर, इसको नंगर पार्कर अभी कहा जाता है, लेकिन पहले इसका नाम था नगर पार्कर। नगर पार्कर तो नगर पार्कर इसका पहले नाम था, और अभी इसका नाम नंगर पार्कर कर दिया गया है। और ये शिव मंदिर आपको दिखाया अशोक भाई ने, तो आई होप कि आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो बेसिकली मेरा शॉर्ट इंट्रोडक्शन आपको करवा ही दिया होगा साजन चौहान। साजन चौहान व्लॉग।